हेलो जी, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सो दोस्तों, टाइम हो रखा है रात के 9, अभी 15 मिनट है 9 बजने में, और मैं अभी अभी जस्ट एक्चुअली शार लेके रेडी हुई हूँ, और अभी गए हुए हैं शूट पे। 2 बजे गए थे वो, और कह रहे हैं कि 10:30 तक शायद वो फ्री हो जाएंगे। आज पूरा दिन मेरा साफ़ सफाई में निकला है, जितना भी मुझसे हो सका मैंने वो सारा क्लीन किया है, बट मुझे लगता है कि 10-12 दिन तो लग ही जाएंगे, क्योंकि मनहीर के साथ साफ़ सफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, थोड़ा आराम से करना पड़ रहा है, और थोड़ा डस्ट वस्ट भी है यार मेरा, मेरे सारे कपड़े वगैरह जो भी है मैं दोबारा से निकाल के अच्छे से क्लीन करके रख रही हूँ। तो मनहीर को मैंने फिर हॉल में लिटा दिया था, सो गई थी वो। जितना भी मैंने किए साफ़ सफाई वो सारे उस टाइम पे किए जब मनहीर सो रही होती है, क्योंकि जब बैठी होती है या जब खेल रही होती है तो उसको होता है कि मैं उसके पास बैठूँ। तो जितना भी हो सका मैंने आज रूम थोड़ा सा सेट किया है, मनहीर की अलमीरा मैंने सेट कर दी है, क्योंकि मनहीर की अलमीरा सबसे पहली प्रायोरिटी थी कि उसके सारे कपड़े अलमीरा के अंदर सेट हो जाएं। बाकी अभी की अलमीरा मैंने हाफ़ सेट कर दी है, और हाफ़ रहती है तो अभी खुद आके अब कर लेंगे, क्योंकि पूरी हो नहीं पाई। मेरे अभी कपड़े सारे ही रहते हैं, मुझे जहाँ तक लगता है अभी जो भी मेरे हैं कपड़े वो मुझे सारे डिस्कार्ड करने पड़ेंगे, क्योंकि वो बहुत पुराने कपड़े हो चुके हैं, और अभी जो सिचुएशन है मेरी मैं वो भी पहन भी नहीं सकती। तो वैसे ही मुझे लगता है कि पुराने कपड़े रख के कोई फ़ायदा नहीं है, हम यही सोचते हैं कि जब पतले होंगे तब पहनेंगे, जब पतले होंगे तब पहनेंगे, तो वो पतला वाला पता नहीं कब आएगा टाइम, जब आएगा तो ख़रीद लूँगी। तो जो भी अभी कपड़े पड़े हैं तो सारे मैं अभी डिस्कार्ड कर दूँगी, सारे तो नहीं जो मुझे फिट आ रहे हैं वो तो रखूँगी, बट ऑब्वियस है, बट जो बहुत ज़्यादा जब मैं छोटी सरदारनी के टाइम पे बहुत पतली थी उस टाइम के जो पड़े वो सारे मैं निकाल दूँगी। और जी, आज मेरी बिटिया रानी 6 मंथ्स की हो गई है, मनहीर ने अपने 6 मंथ्स कंप्लीट कर लिए, 18 मई को हुई थी वो, 6 महीने कैसे गए वही पता ही नहीं चला बिल्कुल भी। एनीवेज, अभी आज के कटिंग, इतनी एक्साइटेड मुझसे बोला नहीं जा रहा, ये आज के कटिंग करेंगे मनहीर की 6 मंथ की, बस अभी की वेट है कि वो जैसे ही आएंगे उसके बाद हम केक काटेंगे और रोशनी के घर जाएंगे केक कटने के लिए, क्योंकि अभी घर की कंडीशन बहुत ही वो रखी है, अभी सारा सामान जो भी है इधर, अभी हॉल पूरा क्लीन व्लीन करना है, सामान सारा सेट करना है, तो हमने सोचा कि अभी सॉरी रोशनी के घर पे ही केक कटिंग करते हैं। रोशनी आरुष अभी आए थे थोड़ी देर पहले, क्योंकि मेरे घर के पास पार्क है, जो मैंने आपको बताया था ना कि घर के पास बहुत बड़ा पार्क है, सो आरुष वहीं पर साइकिलिंग करने के लिए आता है, तो रोशनी हमेशा शाम को यहीं होती है, तो अभी जस्ट वो आके गए हैं घर पर, चाय वाय पी के गए हैं, तो वो 1 घंटे में फ्री हो जाएंगे, तो फिर मैं मनहीर जो है रोशनी के साथ निकल जाएंगे रोशनी के घर पे, अभी जो है वो हमको डायरेक्ट रोशनी के घर पे ज्वाइन करेंगे, तो देखते हैं कब आते हैं। और ये जी कुर्ती मैंने कल नई खरीदी, अभी क्या करें कपड़े मेरे आए नहीं हैं अभी यहाँ तक, और जो पड़े हैं वो बिल्कुल फिट आ नहीं रहे हैं, तो फिर मैंने 5-6 कुर्ती एक्स्ट्रा खरीद ली है, ताकि जो 4-5 दिन है या हफ्ता है तो मेरा कट जाए इनसे, तब तक मेरे सारे कपड़े पटियाला से आ जाएंगे। और अभी फटाफट मनहीर का बैग रेडी कर लेती हूँ, फीडिंग बैग, क्योंकि वहाँ पर लेट हो जाएंगे, तो फटाफट वही करते हैं। सो गाइज, यहाँ पर हो रहा है मनहीर का बैग रेडी, और अब ऐसा हो गया कि अगर हमें कहीं भी थोड़े टाइम के लिए जाना है तो मनहीर का बैग साथ में ही होता है, जिसके अंदर उसके सारे आइटम होते हैं। और अभी एक्चुअली मैं थोड़ा लेट निकल रही हूँ, और 10:30 मनीर की फीडिंग टाइम है, और हम लोग 9:30 निकल रहे हैं, इसलिए मुझे बैग लेके जाना पड़ रहा है। अगर मैं फीड करा के घर से निकलती तो शायद मैं बैग जो है वो अवॉइड कर सकती थी, बट अभी अवॉइड नहीं कर सकती। और बगल में ही आप देख रहे हो मनीर उठ गई है, देख रही है मुझे, मैं उसको सुला के हटी थी, इसकी नाय बहुत छोटी छोटी हो चुकी है बॉम्बे आके, मतलब अगर ये फीड लेने के बाद सोती थी पंजाब में तो आराम से 1.5-2 घंटा सोती थी, और यहाँ पर 10-10 मिनट की मतलब नैप के बाद वो उठ रही है, तो यहाँ पर मैं उसे कोशिश कर रही हूँ कि वो दोबारा से सो जाए, क्योंकि कच्ची नींद होती है, रोती है और फिर सो जाती है, तो मैं यहाँ पर कोशिश कर रही हूँ कि वो दोबारा सो जाए, क्योंकि बॉम्बे जब से आई है उसकी जो नींद पंजाब में थी वो थोड़ी सी बॉम्बे आके कम हुई है, पता नहीं ओवर एक्साइटेड है, नई जगह है, उसको थोड़ा यूज़ टू होने में टाइम लगेगा, तो थोड़ा नींद का इशू इसका चल रहा है। और यहाँ पर ऑलमोस्ट मेरा सारा बैग जो है मनहीर का वो पैक हो चुका है,
और हम लोग एक्चुअली जा रहे हैं बाय ऑटो, तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ऑटो में मनीर को ठंड लगेगी, तो मैंने सोचा कि चलो इसका छोटा ब्लैंकेट मैं साथ में कैरी कर लेती हूँ इन केस अगर मनीर को ठंड लगती है। वैसे तो वो इंजॉय करती है नो ठंडी, लाइक जहाँ भी हवादार टाइप हो तो उसको मज़ा आता है, बट इनके ज़्यादा ठंड हुई या मच्छर वगैरह हुई तो मैं फॉर अ सेफर साइड मैंने छोटा ब्लैंकेट अपने साथ रख लिया है। सो यहाँ पर हो गया है मनीर का बैग रेडी और अब मैं वेट कर रही हूँ आरुष और रोशनी का, जो कि पार्क में गए थे, वो भी बस आने वाले हैं, फिर निकलते हैं। सो जी आज मनीर को मैंने फर्स्ट टाइम उठाया, पहली बार उठाया पता है, नहीं तो ये अभी के पास होती है। और अभी हम लोग जा रहे हैं, आरुष कहाँ जा रहे हैं? नॉर्वे। इनऑर्बिट। अच्छा इनऑर्बिट, बेटा ये घर जा रहे हैं हम। ओके हाय रोशनी, चलो आरुष लेके जाना, चल ले जा फिर बैग में डाल दे उसके। अरे यार बाद में गिफ्ट ले लेना ना, चाचू देंगे यार, इतना प्यार से लेके आए हैं। चल ध्यान देना इसको, है एक्साइटमेंट। बैग में डाल ले आरुष, बैग में डाल ले, उस वाले बैग में डाल ले, घर में जाके वो कर लेना। पीटू पीटू चल चल। सो गाइस हम अभी वेट कर रहे हैं रोशनी की, क्योंकि वो स्टारबक्स गई है कॉफी लेने और मैं मनीर ऑटो में बैठे हुए हैं। बस अभी जाएंगे थोड़ी देर में। अभी सो गई, नहीं जाग गई। आरुष यहाँ पर वेट कर रहा है कि मेरी कॉफी कब ठंडी हो और मैं पीऊँ, क्योंकि मम्मी अपना कॉफी एंजॉय कर रही है, आरुष लेके बैठा हुआ है। आरुष को खांसी हो रही है ना इसलिए, है ना आरुष? मेरे ये भी गुगली है, ये भी तो ऐसे ही था। वाह, आज गार्डन में जाके बोलता मेरी 2 इयर्स की छोटी सिस्टर है। 2 इयर्स की है, 6 मंथ्स। वाह कैसे देख रही है, ऐसे नहीं प्यार करते बेटा, यहाँ प्यार करते, यहाँ उभी डिटेल ऐसे सीधा। हाँ वेरी गुड आरुष, वो देखो कैसे देख रही है। अभी अभी रख ले, अभी बता दे, आप भी तो छोटे। सॉरी अरे भज गया यार, 12 तो पहला कर लो। अच्छा बंद कर दे, बंद कर दे। बंदा सो जी केक आ गया है, थैंक यू रोशनी, थैंक यू आलोक। ये 6 मंथ्स का केक, और यहाँ पर अभी भी आ चुके हैं 10 मिनट पहले, फटाफट बैठ जाओ बाद में खा लेना। तुझे फाड़ लो ना उसको, एक्चुअली कच्ची नींद से उठ गई ना वो, कच्ची नींद से उठ गई। अच्छा 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 चलो चटी, आरुष बीच में है, आरुष वो फोन ही भेज दिया। देख क्या कर रहे हो आप, क्या हुआ? कोई नहीं और चला दे, बस ठीक है ठीक है। मैं एक बार ही बनाऊंगी, अलग देना, मैं अभी एक शॉर्ट वीडियो बना। इसको बैठा नहीं है, अरे मम्मी केक काट रही है, अरे नहीं इसको गोदी में दे दो ना, पकड़ लेता है। अच्छा गिर नहीं जाए यार, देख के नहीं का थोड़ा सपोर्ट तो रखेंगे। चल आरुष चल आरुष पकड़, चल आरुष चल चल यस हाथ लग गया। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी 6 मंथ, हैप्पी 6 मंथ, हैप्पी बर्थडे। अरे बाप रे, अरे बाप रे, डर गई डर गई डर गए। आज मैं बेल्ट लगा के आई हूँ इसको लेके,
ऑटो में बहुत मजे लेके आइए। हाँ पूरा देखते हुए टांगे हिला हिला के आरुष की तरह ऑटो जाना है पूरा।